हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन टुडेज इंग्लिश क्लास थर्ड स्टैंडर्ड एंड द चैप्टर नंबर इलेवन इज वर्ब्स यस हाउ यू टू प्रोनाउंस वर्ब्स 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 नहीं बोलना है वर्ब्स यस आर लाइक अ साइलेंट वर्ब्स यस ओके डियर स्टूडेंट्स आज इस चैप्टर में मैं आपको वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी कि आपने देखा होगा मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं सो रहा हूँ मैं उठ चुका हूँ तो ये सब जो चीज़ें होती इसमें कहीं ना कहीं वर्ब होते हैं और इंग्लिश में अगर हम बात करें जैसे हिंदी में है था या रहूँगा तो पीछे गा हा था लगता है वैसे ही यहाँ पे वर्ब जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई काम जो है पहले तो कौन से टेंस में है, वो बता देते हैं दूसरी बात ये कि काम शुरू होने वाला है या काम ख़त्म हो गया है या काम रनिंग पोजीशन में है तो ये तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में वर्क हमें बता देता है वर्ब बता देता है चलिए अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वाट इज़ वर्ब तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि वर्ब वो चीज़ होती है जो हमें बता रहा है कि नाउन क्या कर रहा है वर्ब जो होते हैं वो एक्शन वर्ब होते हैं तो जो एक्शन वर्ब होते हैं यस एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं वर्ब ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल वर्ब्स जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप द डियर रन वेरी फास्ट अब यहाँ पे देखिए डियर यानी कि एक आप समझ सकते हैं हिरन अब वो कैसा भाग रहा है जोर से भाग रहा है तो डियर एक है डियर क्या है एक वैसे तो अगर हम देखें तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्यारे बच्चों वी वन फॉर्म होता है वी टू होता है वी थ्री होता है वी फोर होता है एंड वी फाइव होता है वी वन में जैसे आपने देखा रन इसमें आ जाएगा इसमें भी आ जाएगा रन रन और रनिंग आ जाएगा उसमें रनस आ जाता है आर यू एन एस रनस आ जाता है इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब कभी भी ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस लगता है वर्ब के पीछे यानि कि एस या तो फिर क्या लगेगा लग ई एस वो डिपेंड करता है वो अलग रूल है तो रन यानी कि वी फाइव लगा तो द डियर रनस वेरी फास्ट ईशा राइट राइट में एस लगा दिया राइट्स अ लेटर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन तो जो अर्थ है वो किसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है यस धरती के पृथ्वी के ओके तो रिवॉल्व अर्थ एक है ये जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे इसमें जो भी आपके नाउन है वो सब सिंगुलर हैं इसीलिए उनके वर्ब भी क्या है सिंगुलर है ओके तो वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं प्यारे बच्चों ये बात आप ध्यान रखें अब यहाँ पे एक विशेष देख बात ध्यान देने वाली है क्या है ऑब्जर्व द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द अबाउ सेंटेंसेस रन शो द एक्शन ऑफ द डियर राइट शोज द एक्शन ऑफ ईशा एंड रिवॉल्व शो द एक्शन ऑफ द अर्थ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर काट रहा है तो ये सब चीज़ें दिखाई गई और ये हाईलाइटेड चीज़ जो है इनको वर्ब कहा जाता है ऐसे ही नीचे आपको सेंटेंस दिए गए उनमें भी फाइंड आउट करना है द लेजी बॉय स्लीप्स ऑल डे तो स्लिप्स जो है सोना ये वर्ब हुआ मिस्टर वर्मा वरी अबाउट देयर चिल्ड्रन तो वरी जो है ये वर्ब हुआ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे एस या ई एस लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि सब्जेक्ट उसका क्या है सिंगुलर है एक वचन में है अगर वही दो वचन में होता है बहुवचन में होता है या फिर प्लूरल होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि उसमें एस Yes, नहीं लगता है ठीक है ऐसे ही द पुलिस मैन रन्स तो एक पुलिस वाला रन कर रहा है इसलिए रन्स आई रीड द ग्रामर बुक द नाइट एंगल ये कुकू मेलोडियस सॉन्ग सिंग करने वाली सिंग्स सिंग्स एक है ऐसे ही आप यहां पे भी देख सकते हैं द मैंगोज आर तो ये आप देख सकते हैं कि मैंगो एक नाउन है प्लूरल है इसीलिए हम उसमें क्या यूज करेंगे आर <coughs> इज़ एम और आर जब कभी भी आई आएगा तो हम यूज़ करते हैं एम जब चीज़ें सिंगुलर हों तो हम यूज़ करते हैं इज जब चीज़ें प्लूरल हों तो हम यूज़ करते हैं आर तो मैंगोज सिंगुलर है कि प्लूरल प्लूरल इसीलिए क्या यूज़ करेंगे आर जैसिका इज अ टॉल गर्ल जेसिका एक ही लड़की है इसीलिए इज आई के साथ क्या लगेगा एम तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो यहाँ पे किसी चीज के बारे में बता रहे हैं यस द वर्ड्स ई आर इज एम यस दीज वर्ड्स शो समथिंग इज आर एम आर वर्ब्स नाउ हियर एम आई एम ही शी इट इज वी यू दे आर तो आप देखेंगे आई के साथ हमेशा क्या लगेगा एम क्या लगेगा एम ही शी इट के साथ क्या लगेगा इज वी यू दे के साथ क्या लगेगा आर ऐसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद नाउन।, नाउन के साथ हम कैसे लगाएंगे तो माई अंकल इज माई सन सन्स में आ एस लगा है यानी कि प्लूरल आप बच्चों यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे जो नाउन्स होते हैं वो भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं इनका रूल दोनों का ऑपोजिट होता है जब नाउंस में एस या ई एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाते हैं लेकिन प्ल जब आप किसी वर्ब में एस या ई एस लगा देते हो तो वो सिंगुलर बन जाते हैं ऐसा याद रखना है आपको यानी कि वर्ब पहले से ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी प्लूरल चीज़ें हैं उनके लिए प्लूरल वर्ब है और जिनके सिंगुलर उनके लिए सिंगुलर है जैसे अंकल इज़ अ डॉक्टर माई सन आर तो सन्स है इसलिए आर ऐसे ही एडजेक्टिव के साथ भी हम यहाँ पे

कि माय सिस्टर इज तो इज में यहां पे आईएनजी वाली चीज बेकिंग अ केक फॉर मी बेक का मतलब क्या होता है पकाना चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स ऑन फिफ्टीन अगस्त क्या फ्लाई कर रहे हैं काइट्स द मेड क्लींस द मेड मेड एक ही है तो क्लींस द फ्लोर एवरी डे मेड यानी नौकरानी आई कॉम माई हेयर डेली गीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास हैज ट्व मंथ्स तो ऐसे करके ये सब चीजें हैं ऐसे ही आपको यहाँ पे बताया गया है कि सर्कल करिए ऑड वन को यानी कि जो मैच ना खाता हो उसको आप सर्कल करें जैसे आप देख सकते हैं क्राई ये रोने वाला चीज है एक्शन वर्ब है वर्ब है डांस वर्ब है हेल्प वर्ब है बुक वर्ब नहीं है ये नाउन हैज हैड सब वर्ब है कंप्यूटर एक नाउन है प्ले लाफ हैप्पी ईट तो ईट प्ले लाफ ये सब वर्ब है, हैप्पी जो है एडवर्ब है ऐसे ही पेपर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक्सरसाइज कुछ ऐसा है ऐसे ही फिर हमें यहाँ पे बताया गया है कि अंडरलाइन करिए वर्ब को जो दिए गए सेंटेंस में तो ये सब वर्ब है जिसको हमने अंडरलाइन कर लिया है प्यारे बच्चों अब इसके साथ आपको पता होगा कि आपने यहाँ पे सिखा है वर्स और वर्ग का यूज़ करना Was और वर का यूज़ करना यस तो कैसे यूज करेंगे वॉज और वर चलिए प्यारे बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे वॉज और वर को यहाँ पे बताया गया कि वॉज़ और वर दोनों जो ही हैं वो बी के फॉर्म हैं बी के तो ऐसे आठ रूप है इज एम आर वॉज वर हैज़ डू डज डिड के अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि वॉज पास्ट के सेंटेंस में लगता है और चीज़ें सिंगुलर नाउन होनी चाहिए जैसे ही शी इट इन सब के साथ वॉज लगेगा जबकि दूसरे जो भी प्रोनाउंस या फिर नाउन जो प्लूरल होंगे उनके साथ में क्या लगाएंगे वर लगाएंगे समझ रहे हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ही वॉज इन माई हाउस यस्टरडे कल वो मेरे घर था आई वॉज़ इन क्लास टू लास्ट ईयर पिछले साल में क्लास दो में था या थी यस yes, ऐसे वॉज और वर का प्रयोग यहाँ किया गया और आपको यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं वो आप ध्यान से सुने अब ऐसे ही यहाँ पे वॉज और वर डिफेंड करता है कि भाई क्यों आएगा वॉज़ क्यों आया क्योंकि क्युं यहाँ पे सिंगल चीज़ें हैं वर क्यों आया क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का नाम है वॉज़ क्यों आया क्योंकि एक सिंगल चीज़ है वर क्यों आया क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स में ऐसा लगा है नेहरू एक सिंगल आदमी का नाम है इसके लिए ऐसे ही आप देख सकते हैं वाज और वर्क का प्रयोग किया गया तो काफी इजी है है ना ऐसे ही हैज हैव हैड आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हैज हैव हैड कब लगाते हैं यस yes? तो हैज और हैव ये प्रेजेंट में आता है जबकि पास्ट में आता है हैड अब ये कब लिखना है वो भी आपको याद रखना है सबसे पहली बात तो अगर किसी के पास कोई वस्तु होती है जैसे आपके पास पेन है गाड़ी है बंगला है बुक है या कुछ भी चीज़ अगर आपके पास है तो उस है को बताने के लिए या था पास्ट में था बताने के लिए तो हैड ऐसे प्रयोग किया जाता अब किसके साथ क्या लगेगा ये चीज़ हो गया तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ प्यारे बच्चों कि जो यहाँ पे ही होता है और शी होता है और इट होता है या किसी का नाम होता है जैसे राम उन सब में क्या लगाएंगे हैज़ ऐसे ही आई वी दे यू इन सब के साथ में क्या लगेगा इन सब के साथ में लगेगा हैव। तो ठीक है सर हैज और हैव तो आपने बता दिया हमें कि कहाँ लगना है अब हेड कब लगेगा बच्चों हेड जो होता है वो पास्ट टेंस होता है तो पहले जो चीज़ें आपके पास थी लेकिन अभी नहीं है प्रेजेंट में उनके लिए हेड लगता है और हेड सभी में लगता है ही शी इट राम श्याम यू वर दे यू सब में लगता है हेड लेकिन कैसे कैसे लगाएंगे हेड? जब चीज़ें पहले थीं जैसे मेरे पास बॉल पेन था आई हैड अ बॉल पेन ऐसा नहीं कि मेरे पास अभी है तो अगर मैं बोलता हूँ तो हेड का यूज़ जो है वो आपको सीखने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों ध्यान से कि चीज़ें जो थीं पास्ट में थी अब नहीं है आपके पास जैसे कल आपने टोस्ट खाया था यस्टेडे आई एट टोस्ट तो टोस्ट खाया था ऐसे चलिए यहाँ पे हैज़ और हेड को आपको दिया गया है और आपको बताया भी गया है कि भाई आई के साथ तो हमेशा है इन तीनों के साथ हमेशा हैज़ और इसके साथ भी है तो हेड आप देख सकते हैं यहाँ पास्ट में जो चीज़ें थी अब नहीं है उनके साथ हमेशा हेड और ये आपको एक्सरसाइज दिया गया है हैज़ और हेड का ऐसे ही यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको सेंटेंस बनाने बोला गया है ये आप बड़े ही आराम से बना सकते हैं सेंटेंस इन सेंटेंस को ज़ोर ज़ोर से रीड करना है सुनाना है तीन से चार बार आपको जो भी दिए गए हैं सेंटेंस उनके साथ ओके आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा